बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज एक और नई वीडियो में एक और नए बिज़नेस आइडिया के साथ मैं आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो बिज़नेस आइडिया मैं आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन और प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडिया है। दोस्तों इस कारोबार से आप लोग महाना लाखों रुपए कमा सकते हैं और इस कारोबार में जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ 6 से 7 लाख रुपए की है और इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप लोग अपना एक बड़ा कारोबार शुरू कर सकते हैं और इस कारोबार से आप लोग लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो दोस्तों कारोबार कौन सा है और कैसे करना है, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त और बआसानी से पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो कारोबार मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये कारोबार है बारबेड वायर, मतलब के कांटेदार वायर बनाने का। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और प्रॉफिटेबल कारोबार है। कारोबार के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी ही वीडियो में आपको मिलने जा रही है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट कितनी दरकार है। तो दोस्तों इस कारोबार के लिए जो इन्वेस्टमेंट आपको दरकार होगी वो कम से कम आप लोगों को 5 से 7 लाख रुपए तक के दरमियान की दरकार होगी और इस इन्वेस्टमेंट से आप लोग अपना कारोबार का जो कंप्लीट सेटअप होता है वो लगाकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस कारोबार के लिए मशीनरी कौन सी होती है और मशीनरी की इलेक्ट्रिसिटी क्या खर्चा होता है और मशीनें कहाँ से मिलती हैं ये भी मैं आप लोगों को बताते चलूँ। दोस्तों इस कारोबार के लिए जो मशीन आप लोगों को चाहिए होती है उसे कहा जाता है वायर बारबेड मेकिंग मशीन और ये मशीन आप लोगों को पाकिस्तान में जो है 4.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। दोस्तों इस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, दोस्तों ये मशीन जो है 1 घंटे में 100 किलो तक की जो बारबेड वायर है वो तैयार करके दे सकती है। दोस्तों उसके बाद मशीन की इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 3 फेज पर चलने वाली ये मशीन है, इसी वजह से आप लोगों को जो लाइट है वो कमर्शियल चाहिए होगी और आप लोगों को लाइट अच्छी खासी चाहिए होगी। दोस्तों उसके बाद इस कारोबार के लिए हमें कितने स्पेस चाहिए होगा, तो दोस्तों स्पेस जो होना चाहिए वो कम से कम 2 बड़े कमरों पर और 1 हाल पर मुश्तमिल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा जो आप लोगों ने घर किराए पर लेना है या ऐसी जगह पर आप लोगों ने ये सेटअप लगाना है जो 2 कमरों पर मुश्तमिल हो और उसमें हाल भी मौजूद हो, जहाँ पर आप लोग अपना जो है रॉ मटेरियल भी रख सकें और आप लोगों ने जो माल तैयार किया है वो भी रख सकें और दीगर सामान वगैरह और मशीन को भी रख सकें, जिसका किराया अराउंड आप लोग 5 से 10 हज़ार रुपये तक के करीब भरें। दोस्तों अब बात करते हैं कि कारोबार के लिए रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों कारोबार के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसे GI वायर कहा जाता है। ये 12 गेज की वायर होती है और इसका जो है बंडल आप लोगों को मार्केट से परचेज करना पड़ता है। ये वायर आप लोगों को मार्केट से KG के हिसाब से मिल जाती है। इसका जो फी KG होता है 52 रुपये भी होता है, 55 रुपये भी होता है, 56 रुपये भी होता है और इसकी क्वालिटी के मुताबिक होता है कि ये वायर किस क्वालिटी की है। तो ये GI वायर आप लोगों को मार्केट से बंडल की सूरत में कम से कम आप लोगों को 1.5 से 2 लाख रुपए तक की उठानी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो बारबेड वायर मेकिंग मशीन है उसके साथ आप लोगों को कुछ कॉयलें भी दी जाती हैं जिनमें आप लोगों ने जो है वायर के रोल लगाने पड़ते हैं जिसकी मदद से ये मशीन आगे प्रोसेस करती है। तो ये जो कंप्लीट सेटअप होता है मशीनरी का वो 4.5 लाख रुपए तक का मिल जाता है और कम से कम आप लोगों को 1.5 लाख रुपए तक की वायर भी लेके रखनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर हमारे जो इन्वेस्टमेंट बन जाती है 6 लाख रुपए तक की बन जाती है। 6 लाख रुपए में हमारी मशीनरी भी आ जाती है, हमारे जो है रॉ मटेरियल भी आ जाता है और इसमें एक ही यही रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है और कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती। दोस्तों बाकी जो 1 लाख रुपया आप लोगों का बच जाता है
वो आप लोगों ने रख लेना है मज़दूर की मजदूरी वगैरह के लिए, उसके अलावा मेंटेनेंस वगैरह के लिए मशीन की, और उसके अलावा अगर आप लोग कहीं माल वगैरह सप्लाई करते हैं तो उसका जो किराया वगैरह पे करना पड़ता है, जगह का किराया होगा, ऐसी चीज़ों के लिए आप लोगों ने 1,00,000 रुपये बचा कर रखना होता है। उसके बाद आप लोगों का कारोबार जब शुरू हो जाता है 1-2 महीने के बाद आप लोग उससे मुनाफा उठा सकते हैं। अब दोस्तों मशीन के वर्किंग की बात करें तो दोस्तों मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी में फिर से बताता चलूं, मशीन की कैपेसिटी में फिर से आप लोगों को बताता चलूं, ये 1 घंटे में 100 किलो तक की वायर बनाकर दे सकती है। इसी तरीके से अगर आप लोग जो है 12 घंटे इस मशीन पर काम करते हैं तो आप लोग 1200 किलो वायर एक ही दिन में इस मशीन की मदद से तैयार कर सकते हैं, जो कि अच्छी प्रोडक्शन है। अब ये मशीन कैसे काम करती है तो दोस्तों इसमें जो कॉइलें दी हुई होती हैं उसमें आप लोगों ने जो है लगाने पड़ते हैं जो है वायर के रोल, जिसे GI वायर कहा जाता है। ये वायर आप लोगों को इस मशीन में लगानी पड़ती है, जैसे कि आप लोग वीडियो में भी देख रहे होंगे। फिर जैसे ही मशीन को आप लोग चलाते हैं तो ये वायर जो है खुलना शुरू हो जाती है और इस मशीन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर मशीन में एक जगह से इसको कांटेदार बनाया जाता है, फिर ये मशीन आगे बढ़ती है। नीचे एक और रोल लगा हुआ होता है जिसमें आप लोगों की कांटेदार जो तार होती है वो उसमें बांध दी जाती है या फिर उसमें लपेट दी जाती है। फिर जस्ट आप लोगों को जो है जैसे ही आप लोगों का रोल ख़त्म होता है दोनों तरफ से, तो आप लोगों ने नीचे से इस मशीन की नीचे से जगह दी हुई होती है और रोल लगा हुआ होता है, वहाँ पर आप लोगों का जो कांटेदार तार होती है वो बनकर तैयार हो जाती है। फिर वो रोल आप लोगों को बस बाहर निकालना होता है, बस यही काम होता है। 2 वर्कर बआसानी से इस मशीन पर ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा कि इस मशीन में मुख्तलिफ किस्म की तारें आ रही हैं दोस्तों। एक जो तार है वो PVC की तार होती है, जैसे अगर आप लोग जो है AC वायर को कोटेड करना चाहते हैं, PVC कोटेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को एक अलग वायर चाहिए होगी। लेकिन शुरुआती कारोबार है, आप लोग नॉर्मल वायर तैयार करें, बारबेड वायर तैयार करें जो अक्सर इस्तेमाल होती है, आप लोग उन्हें जो है ज़्यादा खर्चा नहीं करना दोस्तों। इतनी सी इन्वेस्टमेंट से आप लोग इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो है होलसेल जो है दुकानें वहाँ पर आप लोगों ने अपने जो है कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं और वहाँ पर ये बारबेड वायर सेल करनी है। आप लोगों ने ना किसी दुकान पर जाना है ना किसी दूसरी मार्केट में जाना है, सिंपल सा आप लोगों ने जो है होलसेल शॉप होती है उससे प्राप्त करना है। ये जो आप लोगों की वायर होगी फी KG के हिसाब से सेल होगी। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने जो तार ली है वो आप लोगों को 55 रुपये KG के हिसाब से मिल रही है। उस पर आप लोग खर्चा लगा लें, अगर 1 किलो पर 5 रुपये का भी खर्चा आ जाता है, मजदूरी हो गई, जगह का किराया होगा, लेबर कॉस्ट वगैरह हो गई, अगर 60 रुपये भी खर्चा आ जाता है तो आप लोगों की यही तार 1 KG मार्केट में बआसानी से जो है कम से कम 80 से 90 रुपये तक की फी किलो के हिसाब से सेल होगी। मतलब कि अगर आप लोगों की जो है 1 किलो के पीछे भी 30 रुपये की अच्छी खासी बचत आप लोगों को मिल जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये कारोबार आप तमाम दोस्तों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।